दोस्तों कैसे हैं आप? आपको अपने यूट्यूब चैनल पाक व्लॉग एंड टेक में हमेशा की तरह खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लॉट, फ्लैट, अपार्टमेंट, सोसाइटीज़, घर की वीडियोस अपलोड करता हूं। कुछ टाइम पहले तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर राबिया अपार्टमेंट की वीडियो मैंने अपलोड करी थी और राबिया ड्रीम व्यू की वीडियो अपलोड करी थी। अगर आप लास्ट वीडियो में देखते हैं, ऊपर माइक कार्ड पर मैं उसको डाल दूंगा। मैं उस वक्त राबिया ड्रीम व्यू के ऊपर बेसमेंट खुद रही थी और बाकायदा जो है वो काम जारी था और काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पे क्यूरीज ली है और काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पे सेल परचेज़ भी करी है। आज मैं यहाँ की एक लेटेस्ट अपडेट, चूँकि मई 2024 चल रहा है, मैं इसकी एक लेटेस्ट अपडेट बनाने के लिए आया हूँ राबिया ड्रीम व्यू गुलशन मेमार सेक्टर क्यू के बिल्कुल सामने की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पूरा इसका एक रिव्यू मैंने दिया था अपने यूट्यूब चैनल पाक व्लॉग एंड टेक के लिए, तो इस वक्त मैं इसकी एक लेटेस्ट अपडेट बनाने के लिए आया हूँ आप दोस्तों के लिए, जिसमें कि मैं थोड़ा सा इसका रिव्यू करूँगा कि यहाँ पर क्या फ्यूचर्स हैं, यहाँ पे अपार्टमेंट की डिटेल और तमाम जो तफसीलात है बकायदा लोकेशन के साथ वो मैं सारी आपको बताऊंगा। मेरे साथ जो है वो शाहनवाज़ भाई मौजूद हैं। शाहनवाज़ भाई जो है किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, क्योंकि शाहनवाज़ भाई को आप राबिया अपार्टमेंट में कई दफ़ा मेरे साथ देख चुके हैं। तो आज चूँकि शाहनवाज़ साहब जो है वो मेरे साथ यहाँ भी मौजूद हैं, मैं कुछ शाहनवाज़ साहब से ही कुछ लोकेशन, कुछ यहाँ की फ़ीचर्स मालूम करूँगा आप दोस्तों के लिए। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो काफ़ी टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी वीडियोस हमने बनाई थी राबिया अपार्टमेंट के लिए, बिल्कुल ठीक है ना, ओसामा भाई के साथ हमने वीडियो बनाई थी राबिया ड्रीम व्यू के लिए। तो अभी चूँकि ओसामा साहब तो मौजूद नहीं है, अच्छा मुझे थोड़ा सा, क्योंकि हम बाकायदा माशाल्लाह यहाँ पर आप लोगों का काम काफ़ी अच्छा हो चुका है, लास्ट वीडियो में बाकायदा खड्डे वगैरह डिगिंग वगैरह हो चुकी है। जी बिल्कुल। तो मुझे दोस्तों को ज़रा थोड़ा सा नई जो लेटेस्ट फीचर है वो मुझे ज़रा बताइए। सबसे पहले गूगल लोकेशन बता दें ताकि मेरे दोस्त यहाँ बासानी पहुँच सकें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह आपके व्यूअर्स के लिए। और जो इस वक्त हम मौजूद है, ये हम गार्डन सिटी, बेसिकली गार्डन सिटी गुलशन मेमार के सेक्टर क्यू के बराबर में गार्डन सिटी ब्लॉक बी के अंदर हम मौजूद हैं। ये ब्लॉक बी के अंदर शेखानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्राइवेट लैंड है, उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट आ रहा है 2.5 एकड़ के ऊपर, ठीक है। और ये तो हो गई इसकी लोकेशन। अच्छा शाहिद भाई, आज जब लास्ट टाइम आए थे तब हमारी उस वक्त सिर्फ एक डिमार्केशन शुरू हुई थी और कुछ डिगिंग शुरू हो गई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फर्स्ट स्लैब मुकम्मल कर चुके कुछ टावर्स की और कुछ टावर की डिगिंग शुरू कर चुके हैं। अच्छा माशाल्लाह। और दोस्तों अभी पहले मैं अंदर लेके चलता हूँ ताकि आपको पता चले, क्योंकि अभी आप बैकग्राउंड में तो आप अभी मेरी ऐसी आप देख रहे होंगे, लेकिन अभी मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर लेके चलता हूँ। आइए अंदर आइए। दोस्तों इस वक्त मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर पहुँच चुका हूँ। अभी मैं थोड़ी तफसील ले लेता हूँ कि यहाँ पे अपार्टमेंट्स की क्या डिटेल है। शाहनवाज़ साहब मुझे ज़रा थोड़ी सी डिटेल वगैरह बताते हैं। शाहिद भाई, हम इस वक्त जिस टावर पर मौजूद है, ये 2 बेड ड्राइंग टीवी लॉन्च का ये टावर है। इसकी फेसिंग हमारी बिल्कुल मेन ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट को आती है। इसकी जो बैल्कनी होगी, इसका टेरेस होगा, वो ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट की तरफ आएगा। इसकी हम पहली स्लैब हाफ मुकम्मल कर चुके हैं और हाफ की स्लैब की तैयारी अभी इस वक्त जा रही है। बिल्कुल, ये शटरिंग का काम चल रहा है इस टाइम, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं ओवरऑल आपको ब्रीफिंग दूँ। इस प्रोजेक्ट में इस वक्त हम जहाँ खड़े हुए, 2 बेड ड्राइंग टीवी लॉन्च का टावर है, और अगर आपका कैमरा मैन दिखाए, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर इसका पूरा 3500 गज से लेकर 4000 गज तक का पूरा पार्क है। अच्छा, ये पार्क फेसिंग ये पूरा पार्क है। पार्क है जी, ये पूरा पार्क का एरिया है। आजकल प्रोजेक्ट के अंदर आउटडोर पार्क बहुत मुश्किल होता है, कोई बिल्डर देता नहीं है, होते ही नहीं है वो। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह शेखानी ग्रुप ऑफ कंपनी इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना आउटडोर पार्क दे रही है, इंडोर नहीं, आउटडोर पार्क की बात हो रही है। और जिस जगह आप खड़े हैं, ये इस वक्त इस प्रोजेक्ट का जिमनाजियम है, यानी कि जिम है, यानी कि खवातीन और हजार इस जगह को जिम के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ये जिम है? जी जिम है, बिल्कुल। फिजिकली हेल्थ जी बिल्कुल, फिजिकली फिटनेस सेंटर होगा ये। इसके बराबर में हमारी मस्जिद होगी और इसके बराबर में इंडोर गेमिंग जोन बच्चों के लिए होगा, ठीक है। सारी एमिनिटीज जो आप गुलशन इकबाल या खालिद बिन वलीद रोड और एक अच्छे पोश एरियाज में देखते हैं, उन सब एमिनिटीज को हम यहाँ पे उससे समझ ले 70% माइनस रेट्स के अंदर हम अपने अपार्टमेंट सेल कर रहे हैं और उसी एमिनिटीज़ को इंशाल्लाह यहाँ पे प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा देखिए, मेरे दोस्त जो है ना, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, दोस्त हैं, वो थोड़ा सी ज़रा सादा सी जुबान समझते हैं जी। अच्छा, ये चीज़ हमें पता होती है, 2 बेड लाउंज है, 1 बेड लाउंज है, 3 बेड लाउंज है, ये हमें तो मालूम होती है जी। देखिए थोड़ा सा मेरे दोस्तों के लिए ज़रा आसानी, जैसे कि 2 कमरों का एक अपार्टमेंट है, 3 कमरों का एक अपार्टमेंट है। ये असल में जिस जगह हम खड़े हैं, ये 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम और 1 टीवी लॉन्च, जिसको हमारी स्टेट एजेंसी की जबान में 4 रूम अपार्टमेंट, 4 रूम अपार्टमेंट जी, जिसमें 2 बेडरूम होंगे अटैच बाथरूम के साथ, 1 ड्राइंग रूम होगा मेहमान खाना है ना, और 1 टीवी लॉन्च होगा किचन के साथ। इसको सादा सी कह सकते हैं कि 3 कमरे हैं जी, और एक आपको बड़ा सा किचन है जी, और एक टेरेस, टीवी लॉन्च है, और एक टेरेस। इसको हम 4 कमरे जी, 4 कमरे कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं चूंकि आपको पता है कि मैं हमेशा आप लोगों के दिमाग से या आप लोगों की जो थिंकिंग होती है उसके हिसाब से सोचता हूँ मैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना डबल माइंड हो जाते हैं।
अक्सर वीडियो में मैं इस चीज़ को खासतौर पर मेंशन कर देता हूँ ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ये चार कमरों का आपने एक मुझे एक शेड्यूल बता दिया है, इसका क्या रेट वगैरह होगा? सर इसकी टोटल कॉस्ट 6 साल के अंदर 92 लाख रुपीज़ है। 92 लाख जी। इसकी बुकिंग हमारी आप समझ लें कि 3 लाख रुपीज़ से बुकिंग हो रही है, ठीक है। और उसके बाद आप कस्टमाइज शेड्यूल करके इजी इंस्टॉलमेंट प्लान अपने हिसाब से बना सकते हैं। उसका पूरा कस्टमाइज प्लान बना सकते हैं कि भाई मैं इस तरीके से मंथली इंस्टॉलमेंट दूंगा, ये 6 महीने के बाद दूंगा, ये साल के बाद दूंगा और ये पोजीशन के वक्त दूंगा। अपने हिसाब से बनाए, किसी की कोई ज़रूरत नहीं आपको बिल्डर के शेड्यूल को फॉलो करने की, आप अपना शेड्यूल बना के फ्रेंडली, जिसको हम फ्रेंडली कहते हैं। लेकिन ड्यूरेशन 6 साल रखिए, 6 साल लाख रुपए का है और 3 लाख से आप बुकिंग कर दें, बिल्कुल। बाकी 6 साल में आपने इसको क्लियर करना है, बिल्कुल। अच्छा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है? ये सब लीज है, सब लीज है। जी जी बिल्कुल, सब लीज होगी, सब लीज होगी। क्योंकि अक्सर दोस्त कहते हैं कि कोई लीज प्रोजेक्ट दिखाइए, जी जी। तो ये लीज प्रोजेक्ट राबिया ड्रीम व्यू के अंदर गुलशन मेमार की प्राइम लोकेशन के अंदर, मैंने आपको ये चीज़ मैंने आपके लिए अपडेट बनाने के लिए आया हूँ। एक चीज़ मेरे से रह गई थी मिसिंग, जो एमिनिटीज़ के तौर पर हम बात कर रहे थे, तो इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कोई भी फ्लैट नहीं है। अच्छा, ग्राउंड पे नहीं है? ग्राउंड पे हमने पार्किंग रखी है, पूरी कवर्ड कार पार्किंग, यानी कि आपकी गाड़ी की जो गाड़ी की पार्किंग होगी वो कवर्ड होगी, ओपन नहीं होगी, यानी कि धूप में नहीं खड़ी होगी आपकी गाड़ी। इसके पूरे टावर जितने भी होंगे उसकी पूरी ग्राउंड फ्लोर पर हमने पार्किंग रखी है, ठीक है। फर्स्ट से लेके 7 तक के ये टावर है, फर्स्ट से लेके 7 तक के फ्लोर है, 1 to 7 जी। ये फर्स्ट से लेके 7 तक है, जिसमें कि अभी हम जो है इसके जो है ग्राउंड पे खड़े हुए, जो पार्किंग एरिया है इसका, ये तो 2 by DD का है ना, तो ये तो हमने एमिनिटी रखी है, एमिनिटी रखी है। इसके अलावा जितने भी टावर है उसके ग्राउंड पे पार्किंग है, सब में पार्किंग है, और सामने एक फेसिंग पे पार्क भी है, पार्क भी। अच्छा, ये आपने मुझे 4 कमरों का जी हर्फ पे आम में आपने 4 कमरों का बताया, बिल्कुल। अब थोड़ा सा इससे जो लो कैटेगरी का है, नीचे का जो रिक्वायरमेंट है उसका जरा बताइए। इसमें दूसरी कैटेगरी हमारे पास है 2 बेड और लाउंज, यानी कि 2 बेडरूम विद अटैच बाथरूम, ठीक है, और 1 TV लाउंज विद अटैच किचन और 1 छोटा सा टेरेस हमने दिया, छोटा सा टेरेस दिया हुआ, ये छोटी फैमिली के लिए, जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ, आपने वो जो 4 कमरों का बताया था उसका एरिया कितना है? 850 square feet नेट, 850 स्क्वायर फुट पर, स्क्वायर फुट। और ये जो आपने सेकंड कैटेगरी 650 square feet, 650 स्क्वायर फुट पर है। अच्छा, इसका कोई बुकिंग वगैरह और इसकी थोड़ी सी डिटेल मेरे दोस्तों को? इसकी भी टोटल कॉस्ट, यानी कि 2 बेड लाउंज आपके अपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट है 62,50,000। 62 लाख 50,000। ये भी आपने 6 साल के एक अरसे के अंदर आपने अपना कस्टमाइज प्लान के साथ इसको पेमेंट करनी है। यानी कि खाली ये है कि जो रिकवरी शेड्यूल है वही है, बुकिंग भी तकरीबन वही है, बस ये है कि एक बड़ी फैमिली इसके लिए, एक छोटी फैमिली के लिए, एक 92 प्लस का है और एक 62। असल में शायद भाई ये नैरेटिव हमारे मुल्क में है कि छोटी फैमिली बड़ी फैमिली। आप मिडिल ईस्ट वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो परचेजिंग का रेशियो होता है वो 2 बेड लाउंज या 1 बेड लाउंज का ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कल्चर अभी आया, लेकिन हम लोग बेसिकली पाकिस्तानी रेंट पे रहने को तरजीह देते हैं बनिस्बत छोटे अपार्टमेंट, अपना ज़ाती अपार्टमेंट। लेकिन ये नैरेटिव अब चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हम चूँकि अपनी खुद इस फील्ड के हैं तो अब लोग कहते हैं यार रेंटल इनकम, आप समझ लें गुलशन इकबाल में इससे करीब तर एरिया जो है वो गुलशन इकबाल, यानी कि अबुल हसन असवानी रोड या गुलशन इकबाल है सबसे करीब तर एरिया गुलशन एमआर से। उसमें 2 बेड लाउंज का इस वक्त 25,000 रेंट पड़ा है, ठीक है। मतलब एक एवरेज बिल्डिंग जो 20 साल पुरानी बिल्डिंग होगी उसका रेंट 25,000 है। एक अच्छा कमाने वाला भी शख्स अपनी इनकम का 50-60% अपने मकान मालिक को दे देता है, तो उसका बचत तो सारी चली गई। अब ये नैरेटिव हमारी अल्हम्दुलिल्लाह चेंज होना शुरू हुआ है कि यार छोटा अपार्टमेंट हो, 1 बेड लाउंज हो, 2 बेड लाउंज हो, लेकिन कम से कम छत अपनी हो और वो बन जाती है, हो जाती है, बिल्कुल। अगर वो हमारे साथ कोई रابطہ करता है और हमें अपना एक शेड्यूल देता है तो इंशाल्लाह उसका कस्टमाइज बनाते हैं और वो बहुत इजीली। अभी हम राबिया अपार्टमेंट में जा रहे हैं ना, तो आप देखेंगे ये वही राबिया अपार्टमेंट है जो हमने शायद पहले उसकी वीडियो बनाई थी हम लोगों ने, और हमने कहा था 19,000 से बुकिंग करें, तो यकीन कीजिए उसमें 400 अलॉटीज ऐसे हैं जिन्होंने 19,000 से बुकिंग की थी और उन्होंने अपने अपने घर कर लिए। आज आप चलते हैं, देखते हैं कंस्ट्रक्शन की वैल्यू उसकी क्या हो गई है। दोस्तों, मैंने अभी आपको राबिया ड्रीम व्यू का मैंने एक रिव्यू दे दिया है, क्योंकि ये अपडेट मैंने बनाई है और इसकी पुरानी वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पाक व्लॉग एंड टेक पे मौजूद है। ये मैंने आपको क्योंकि आप वक्त के साथ साथ आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन भी ऊपर आ जाती है और वक्त के साथ साथ जो है हमारे दोस्तों के सवाल भी ज़्यादा आ जाते हैं और फिर सब्सक्राइबर भी हमारे माशाल्लाह जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो उनकी मालूमात के लिए ये मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें कि आपको मैंने मुकम्मल मैंने उसका एक रिव्यू दे दिया है। यहाँ पर सहूलतें क्या क्या हैं, यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है, वो सब बता दिया है और शाहनवाज भाई ने बहुत अच्छे तरीके से आपको मुकम्मल तौर पर इसमें गाइड कर दिया गया है। अच्छा, लोकेशन भी आपको मैंने बता दी है। दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं अभी यहाँ ख़त्म करूँगा। आपकी अगर किसी भी किस्म की कोई क्यूरीज हो तो आप ऊपर व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद है, आप मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको शाहनवाज भाई से मिलवा दूँगा। आप यहाँ साइट विज़िट कीजिए,
विजिट करने के बाद जो भी आपको पसंद आता है अकोमोडेशन चेक कीजिए। हमारा ये प्रोग्राम एक तारुफी प्रोग्राम होता है। बाकी वीडियो का भी मैं ख़त्म करता हूँ, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में किसी अगली लोकेशन पे किसी नई दिलचस्प मालूमात के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।